बात करवी है मगर सच है, मृत्यु ही जीवन का सत्य है। राजनीति के मौसम वैज्ञानिक और देश के सबसे बड़े दलित नेताओं में से एक रामविलास पासवान आज हमारे बीच नहीं रहे। फोर्टिस स्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट द्वारा जारी बयान के अनुसार पिछले 24 घंटे में पासवान के स्वास्थ्य में गिरावट आई और बृहस्पतिवार को शाम 6:05 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। वह 74 वर्ष के थे और हाल में ही उनके हृदय की सर्जरी हुई थी। उनके पुत्र और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने पिता के निधन की सूचना साझा करते हुए ट्वीट किया, पापा अब आप इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मुझे पता है आप जहां भी हैं हमेशा मेरे साथ हैं, मिस यू पापा। उनके सम्मान में शुक्रवार को राजकीय शोक की घोषणा की गई। इस दौरान तिरंगा आधा झुका रहेगा। मैं नीतीश रंजन ट्रेंडिंग न्यूज के इस वीडियो में देश के राजनीति के इस महत्वपूर्ण स्तंभ के किए गए कार्य को याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बिहार के राजनीति में 4 दशक से एक मजबूत स्तंभ रहे रामविलास पासवान का जन्म बिहार के खगड़िया जिले के सहरबंदी गांव के एक दलित परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में की और 1969 में बिहार विधानसभा के लिए चुने गए। पासवान 1974 में लोकदल में शामिल हो गए और इसके बाद महासचिव बने। उन्होंने आपातकाल का विरोध किया और इस अवधि के दौरान उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। उन्होंने 1977 में बिहार के हाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के सदस्य के रूप में लोकसभा में प्रवेश किया। वो फिर 1980, 1989, 1998, 2004 और 2014 में सांसद के तौर पर चुने गए। सन 2000 में पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना की और इसके अध्यक्ष बने। 1990 के दशक में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से जुड़े मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करवाने में पासवान की भूमिका महत्वपूर्ण रही। पासवान जी उस वक्त बिहार विधानसभा के सदस्य थे जबकि लालू यादव और नीतीश कुमार अपने छात्र राजनीति के जीवन में ही थे। 1983 में उन्होंने दलित मुक्ति और कल्याण के लिए एक संगठित दलित सेना की स्थापना की जिसने आगे चलकर बिहार की राजनीति की दिशा और दशा बदल दी। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में उन्हें पहली बार कैबिनेट मंत्री बनाया गया। अगले कई साल तक विभिन्न सरकारों में पासवान ने रेल से लेकर दूरसंचार और कोयला मंत्रालय तक की जिम्मेदारी संभाली। इस बीच भी भाजपा, कांग्रेस, राजद और जदयू के साथ कई गठबंधनों में रहे और केंद्र सरकार में मंत्री बने रहे। पासवान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली दोनों सरकार में खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रहे। उन्हें भारत में संचार क्रांति के लिए भी जाना जाता है। पासवान जी के निधन पर अपने शोक संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, साथ में काम करना, पासवान जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना एक अविश्वसनीय अनुभव रहा। मंत्रिमंडल के बैठकों के दौरान उनके हस्तक्षेप व्यवहारिक थे। राजनीतिक ज्ञान, राज्य कौशल से लेकर शासन मुद्दों तक वे प्रतिभाशाली थे। उन्होंने उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदना व्यक्त करी। पासवान जी के मृत्यु से राजनीति के एक युग का अंत हो गया। हम ट्रेंडिंग न्यूज की तरफ से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हैं और उनके समर्थकों और परिवारजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।